एक बात जो मैं जरूर पूछना चाहूंगी और कोई एक जना जवाब देता चले और उसके बाद आप लोगों के ओवर टू यू, एक बात इसका क्या निराकरण हो जो सभी सोशल मीडिया के जितने भी लेखक हैं और सभी लोगों की बहुत बड़ी समस्या है कि हमारी संस्कृति का उपहास उड़ाया गया और ये उपहास इतनी मूर्खता से, इतनी विद्रूपता से, इतनी कुटिलता से उड़ाया जाता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है कि हम उस संस्कृति के तथ्यों के बिना जानकारी के हम रिएक्ट नहीं करते। हमने नहीं मालूम करा कि भाई हल्दी क्यों लगन में भेजी जाती है, हमें नहीं मालूम कि पान क्यों चढ़ाया जाता है, हमने इन चीजों की जानकारी कभी ली नहीं। हमने ये नहीं माना कि जैसे सारे विद्याएं हैं वैसे ज्योतिष भी विद्या है, खगोल शास्त्र विद्या है। हमारे यहाँ औषधि के लिए भी चरक हो, सुश्रुत हो, नागार्जुन हो, एक से एक हमारे यहाँ पे विद्वानों ने विद्याएं दी। लेकिन आज स्थिति ये है कि वामपंथियों का आप देखिएगा कि उनका खास उनके प्रैक्टिकल कोई इस प्रकार का, अरे ये तो कहते हैं कि उस समय ऐसा चलता था, उसमें ऐसा होता था। ये सबसे बड़ा आप देख ले तो आज नहीं, शुरू से लेकर के एक संस्कृति को लेकर हो, मेरे मन में इतना कष्ट और इतना इतनी पीड़ा होती है कि आज भी आप यदि देखें तो चाहे वो रामायण को लेकर, अब ये भी हाल में एक विवाद हुआ है जो कि सीता को लेकर के ट्विटर पे आप सब जानते हैं, जो पहले लिखा क्या इसका तरीका हो। और मैं चाहती, मैं नलिन कोहली जी से इस बात को पूछूंगी कि क्या इसका जवाब हो, ये सीख आपकी ओर से इन सब के लिए जाए, जिसका प्रतिकार जोरदार किस ढंग से किया जाए। देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि या हमारी संस्कृति देश, मैं कॉलेज नहीं क्या कहा, वहां से आप शुरू कर रही थी कि आपका धर्म, आपकी संस्कृति, आपका साहित्य, आपकी भाषा सब निकृष्ट, इसलिए हीन भावना जब उन्होंने उत्पन्न की तो हमारे अच्छे अच्छे कुलीन ब्राह्मण ईसाई हो गए। राजा राम मोहन राय भी अंत में जाके ईसाई हो गए, अभी भी इंग्लैंड में उनकी कब्र है। ये मैं जो इसको सोचता हूं कि भाई जब तुर्क आए उन्होंने आपकी भाषा छीन ली, आपकी सीधे सीधे राजभाषा क्या थी, फारसी। आपको फारसी आती है तो आइए काम कीजिए, जाइए भारत में, आप उनका प्रतिकार नहीं कर सकते थे, इसलिए संस्कृत आपसे छिन गई। देखिए, भाषा ही संस्कृति का वहन करती है। आपकी आपके सामने सुश्रुत का ग्रंथ पड़ा हो, आयुर्वेद वेद का, लेकिन आपको तो वो भाषा ही नहीं आती, तो आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। और अगर आप छोटी सी चीज, गीता जो आज तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं, जो अभी जीवंत ग्रंथ हैं, उसमें भी आप पढ़ेंगे तो आपको पहले ही अध्याय में मालूम हो जाएगा कि कितने शब्दों के अर्थ बदल गए हैं, कितने शब्दों का अर्थ हम जानते नहीं हैं। हम बचपन से पढ़ते आए हैं उदासीन, एक उदाहरण दे रहा हूं, उदासीन मतलब, तो मैं या शेखर जी मुझसे उदासीन हो गए, मतलब मेरे विमुख हो गए, मुझसे दूर हो गए। जब मुझे संस्कृत भगवद गीता पढ़ाने वाला मेरा गुरु आया और उसने कहा, उत आसी, जो ऊपर बैठा हुआ है, यानी जो इन सुख दुख दोनों से ऊपर जाके बैठ गया, वो उत आसीन है। उदासीन का मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। उसी तरह से वहां ये कहता है दुर्योधन कि हमारी सेना जो है वो अपर्याप्त है और पांडवों की सेना पर्याप्त है। बड़े हैरान हो, अरे सेना तो तुम्हारी बड़ी है तो वो अपर्याप्त कैसे है? तो मालूम हुआ कि अपर्याप्त जो परिव्याप्ति जिसकी जो है वो ज्यादा है। तो उसमें व्याप्ति का अर्थ और परिव्याप्ति का अर्थ ये उल्टा हो गया हमारे हिंदी तक आते। तो एक चीज तो ये हुई कि हम तो भाषा ही भूल गए। आज जब हम भाषा भूल गए तो हम उस संस्कृति से बहुत दूर होते चले गए।
दूसरी बात जो ये है कि हमारे अंदर जब हीन भावना, मुझे स्वामी विवेकानंद की उक्ति याद आती है, अलवर में उन्होंने अपने शिष्य से कहा था कि इस देश का इतिहास या हिंदुओं ने अपना इतिहास कभी स्वयं नहीं लिखा। इस बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हिंदुओं ने अपना इतिहास कभी स्वयं नहीं लिखा। जो इतिहास लिखा गया वो विदेशियों के द्वारा लिखा गया, चाहे वो तुर्क हो, ग्रीक हो, अफगान हो, पठान हो, अरब हो, जो मर्जी हो, पुर्तगाली हो, फ्रेंच हो, उन सब ने लिखा। उन्होंने आपका इतिहास क्या लिखा? आपका आत्मगौरव बढ़ाने के लिए नहीं लिखा, आपका आत्मगौरव नष्ट करने के लिए लिखा। वो चाहते थे कि आपको हीन से हीन दिखाया जाए। आपने वही इतिहास पढ़ा, उसी को मान लिया और वही मान लिया कि भाई हम तो है ही ऐसे। बाकी जो ये चीजें, बहुत सारी और भी फैक्टर आते हैं। इन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि तोपों के सामने हम हारे, लेकिन राजपूत आत्म द्वेष के कारण हारे। एक दूसरे के प्रति किसी की सहायता करने कोई नहीं गया। नादिर शाह 1,00,000 सैनिक लेकर के आ रहा है और आप अपने 5,000 को लेकर मुंह छेंट रहे, पड़ोसी की सहायता नहीं। तो एक बड़ी छोटी सी आज की बात है, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। तरुण विजय की जब वो पांचजन्य का संपादक था, तो उसके दफ्तर में बैठा हुआ था। उन्हीं दिनों में वो जो नचिकेता सम्मान दिया गया, उस नचिकेता सम्मान पर पांचजन्य का पूरा अंक समर्पित था उसको। और उन्हीं की जो अंग्रेजी का अखबार था, क्या नाम है उसका, है मतलब ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर में एक पैराग्राफ था उसमें। तो मैंने कहा कि तरुण ये क्या तमाशा, अरे भाई वो भी तो संघ का ही अखबार है, ये भी तो संघ का ही अखबार है, और संघ का ही वो सम्मान था जो दिया गया, तो ऐसा कैसे हो गया। तो उसने बड़ा हंस के कहा, आपस में लड़ेंगे नहीं तो कैसे प्रमाणित होगा कि हम हिंदू हैं। ये जो परस्पर हम जो बांटने की, लोगों ने भी बांटा, हमने भी बांटा, और एक दूसरे से अलग होते गए, एक दूसरे की सहायता नहीं की, ये चीज बिल्कुल वैसी ही है कि हमारा अद्वैत, ये हमारे शास्त्रों में ये चीज इस तरह से आती है कि अद्वैत का मतलब क्या है, एक तत्व, हम तो एक ही तत्व हैं। लेकिन अगर थान में से एक कपड़ा, एक गर्स कपड़ा काट दें और वो कपड़ा कहे कि मैं अलग हूं, तो ये उसका अहंकार है। अहंकार का मतलब ये अपने आप को दूसरों से अलग मानना। हम थान में से एक एक गर्स कटते चले गए और कभी ये नहीं सोचा कि हम थान हैं, ये सोचा कि हम एक गर्स हैं। इस कारण से हम हमेशा नीचे से नीचे होते चले गए। आवश्यकता इसलिए मैंने कहा कि आत्मगौरव को जगाने की, प्यार करने की, इस धरती से, इस भाषा से, अपने इतिहास से, और उनकी बातें, जैसे एक छोटा सा उदाहरण हो, मेरा एक उपन्यास है वसुदेव, जिसमें मैंने ये दिखाया जो भागवत में है कि कृष्ण, जो कृष्ण ही बलराम, बलराम देवकी के गर्भ में आए, लेकिन उनको जन्म किसने दिया? जो दूसरी रानी थी, रोहिणी ने दिया। तो मैंने ये दिखाया कि देवकी के गर्भ में से उसको स्थापित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया और रोहिणी ने उसको जन्म दिया। तो हमारे विद्वान लोग हमसे पूछते हैं, उस समय सर्जरी होती थी क्या, आपके पास कोई प्रमाण है क्या? मैंने कहा कि मेरे पास है कि नहीं, वो बाद में है। पहले आपसे पूछता हूँ, आपके पास कोई प्रमाण है कि उस समय नहीं थी? आप बताइए, महाभारत में जिस समय
द्रौपदी की भाई या बहन जो भी कहें आप उसको, जिस समय अर्जुन और ये तैयारी की कि अब इसको पशुपतास्त्र को चलाते, तो सारे ऋषि व्यास भी नारद भी भाव में भी सब इकट्ठे हो गए और बोले क्या तमाशा कर रहे हो, संसार नष्ट हो जाएगा, ये कोई छोटी मोटी चीज है। आज के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में जो बात की जाती है देखिए एक एक बात वहीं की वही मिलती है। जिस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्म शिव उस छोड़ा है, पहले नारायणास्त्र छोड़ा, कृष्ण ने उसका कर दिया प्रतिकार, तो दुर्योधन ने कहा कि दोबारा चला, तो उसका उत्तर क्या था कि अब नहीं चला सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका ईंधन नहीं था उसके पास, जितना था वो समाप्त हो चुका था। दुर्योधन ने ये नहीं कहा कि खाके कर्ण को दे दे अगर तू नहीं चला सकता तो, दुर्योधन ने ये नहीं कहा कि अच्छा कारखाना खोल लेते हैं हम बनाएंगे। उसी तरह से जब ब्रह्म शिव छोड़ा और तब ऋषियों ने आके कहा कि ये क्या किया और उसको प्रतिकार उसका करने के लिए जिसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा अर्जुन ने, तो ऋषियों के कहने पर उसने अश्वत्थामा का एक ही उत्तर था कि मैं छोड़ सकता हूँ, उसको वापस नहीं ला सकता, लेकिन अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को लपेट करके वापस ले आए। तो हमारे पास क्या क्या था, हमने तो पहले ही मान लिया कि कुछ नहीं था, यानी कोई दूसरा कहे उससे पहले हम मान लेते हैं कि नहीं था भाई, हम लोग जाहिल थे। क्यों? क्योंकि हमको वो भाषा नहीं आती। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको मालूम है कि फारसी चली, फारसी के बाद अंग्रेज आए, तो अंग्रेजी उन्होंने लागू कर दी और एक मुहावरा है बड़े फारसी बेचे थे, फारसी पढ़ के भी बेदान हो कभी तेरी बेचते रहो क्योंकि अंग्रेज आ गए। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी उन भाषाओं को पढ़ें, समझें, जीवंत बनाएं, उनके ग्रंथों को देखें। हमारे पास इतना, और ये केवल संस्कृत में पूजा पाठ की ही बातें नहीं है, आपके सारे आधुनिक विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं